हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तृप्ति फ्रॉम क्वालिटी मशरूम फार्म पुणे। आज हम बनाने वाले हैं किंग ओयस्टर मशरूम मसाला। ये देखिए, ये किंग ओयस्टर है, फ्रेश किंग ओयस्टर है, आप देख सकते हैं। इसकी आज हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हम आज मसाला रेडी करेंगे। गैस ऑन करती हूँ। अभी इसमें हम ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अभी थोड़ा सा ऑयल हम गरम होने देंगे, फिर इसमें हम जीरा डालेंगे। अभी ऑयल गरम हो चुका है, अभी इसमें हम ये जीरा डालेंगे। थोड़ा सा पैन को और इसमें 2 प्याज हम कटा हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे। ये 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, ये इसमें हम डालेंगे। हम इसका किंग ओयस्टर के लिए हम मसाला बना रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे हम, और ये काजू भी इसमें हम डाल देंगे। काजू से अच्छी ग्रेवी बनती है, टेस्टी ग्रेवी बनती है काजू से, और थोड़ी थिक भी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। इसमें ही हम लहसुन भी डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें टोमेटो और कटा हुआ कोरिएंडर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें टोमेटो डालेंगे। इसमें ही हम धनिया डालेंगे, धनिया डालने से टेस्ट अच्छा आता है, तो फिर धनिया मैं इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है धनिया से। अभी इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, पकने के बाद फिर हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। ये सिंपल सी सब्जी बनाते हैं हम, ज़्यादा कुछ इसमें हम मसाले ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जितना सिंपल मसाला बनाएंगे उतनी अच्छी टेस्ट आती है सब्जी की। अभी हम गैस ऑन करेंगे। अभी हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। अभी हम इसमें 2 स्पून ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद इसमें हमने ऑयल डाला है 2 स्पून। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, फ्राई करेंगे इसको। जब तक इसको तेल नहीं छूटता मसाले को, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अभी इसमें हम 1 स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी इसमें हम ये किंग ओयस्टर डालेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है ये। 5-7 मिनट में ये पक जाती है। इसको ही पानी छूटता है किंग ओयस्टर को, क्योंकि इसमें 90% वाटर रहता है।
इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है अभी, यम्मी सब्जी। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी खाने की इच्छा हो रही है, अभी पकने के बाद इसको रोटी के साथ खाऊंगी अच्छे से। वाह मस्त। अभी इसको पानी छूट रहा है, इसमें 80% वाटर रहता है इसलिए इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम 5 मिनट पकने देंगे। अभी सब्जी पकी या नहीं तो देखते हैं। अरे वाह मस्त। इसको अच्छे से पानी भी ये हुआ है, मशरूम का छूटा है पानी। आपको थोड़ी ग्रेवी भी बनानी हो तो आप इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी डालती हूँ। थोड़ा गैस बढ़ा करती हूँ। बस इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालती हूँ मैं पानी। अभी 2 मिनट और इसमें इसको हम पकने देंगे। अभी यहाँ पे गैस कम किया मैंने, अभी ढक्कन रखती हूँ। अभी 2 मिनट हो गए हैं, अभी सब्जी चेक करती हूँ मैं पकी या नहीं। तो वाह मस्त स्मेल आ रहा है, देखते हैं। अच्छे से पक चुकी है ये सब्जी। इसको टाइम नहीं लगता ज़्यादा, 5-7 मिनट में ये पक जाती है। अभी ये सब्जी पक चुकी है, अभी हम इसमें अभी डिश में लेती हूँ मैं। अभी कैसे बनी सब्जी देखती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। अभी कैसी सब्जी बनी है देखती हूँ, अभी टेस्ट करती हूँ इसको मैं। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसका, भूख भी बहुत लगी है। बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आप जरूर ट्राई कीजिए किंग ऑयस्टर मशरूम की सब्जी। आपके फ्रेंड्स को वो भी बहुत पसंद आएगी। ये जो हमारी रेसिपी है जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।